नमस्कार दोस्तों, मैं राज किशोर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे कि देख सकते हैं, सीमेंट पहले तराई करके इसको बहुत अच्छी तरीके से तराई कर दिए हैं। उसके बाद सीमेंट का घोल लगा के और बिल्कुल अच्छी तरीके से बिल्कुल बराबर मसाला छापे हुए हैं इसको। कई बार तो होता है जो मतलब इसको पुठियाया जाता है। अगर ना पुठिया के इसमें आप किस तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से पंठी मारेंगे, तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत बढ़िया तरीके से बताने वाला हूँ। जे मतलब मानते हैं ऐसे मान लीजिए कि छापने के लिए थोड़ा हल्का इसको थोड़ा मोटा छापना पड़ता है, तब जाके पंठी मारिएगा तो बिल्कुल साफ हो जाएगा, यानी कि पुठियाना को नहीं पड़ेगा। तो जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ से बिल्कुल अच्छी तरीके से तराई करके और बिल्कुल अच्छी तरीके से वहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल अच्छी तरीके से छाप दिया है इसको। इसमें हम पंठी बिल्कुल फास्ट तरीके में और फास्ट तरीके में प्लास्टर करने का मैं तरीका बताऊंगा, और साहुल में पंठी किस तरीके से मारेंगे वो भी मैं बहुत बढ़िया तरीके से बताने वाला हूं। तो यहां पे जैसे कि देख सकते हैं हमारे यहां पे पंठी आ चुका है और इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से हम साफ कर चुके हैं। और उसके बाद में क्या करना है, कई बार तो होता है जो मतलब कि यहाँ पे ऐसे निशान लगाया जाता है ऐसे, लेकिन इसमें पता नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए काफ़ी लंबा दीवार है, अगर इस तरीके से दोस्तों आप निशान लगाइएगा तो कहीं मोटा हो जाएगा कहीं पतला हो जाएगा। तो मैं एक तरीका आप लोगों को बताऊंगा, जब मतलब ये जो कच है, जैसे छत ये देख रहे हैं, छत का जो कच है इसको सीधा करने के लिए क्या करना है। यहाँ पे पहले हम पंठी को पकड़ लेंगे और उसके बाद में यहाँ ऊपर नीचे इस तरीके से करेंगे। पंठी बिल्कुल बराबर चलाना है यहाँ, तभी जाके दोस्तों बिल्कुल बराबर मसाला जब कटेगा। जैसे कि यहाँ पर जैसे इतना जोड़ हम यहाँ लगाते हैं, उतना ही जोड़ फिर नीचे ले आना है। मतलब ज़्यादा जोड़ दबाना नहीं है इसको, मतलब इशारे से इस तरीके से। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से यहाँ पंठी लग चुका है। और उसके बाद में यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि हमारा कितना मोटा मसाला चढ़ रहा है। इस तरीके से करनी का जो नुकर होता है इससे हम खोप के यहाँ देख लेंगे। तो यानी कि प्लेन दीवार है ये, तो इसके में थोड़ा आधी इंची से मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है मसाला। और उसके बाद में यहाँ हमारा पंठी लग गया है जैसे कि देख सकते हैं। और उसके बाद में पंठी को क्या करना है, इसका मतलब कि कच सीधा करने के लिए, जैसे छत का नीचे वाला जो दीवार जो हम करते हैं, तो छत का ये जो कोना होता है इसको हम लोग कच बोलते हैं। तो यहाँ पे पंठी को पकड़ लिए है और उसके बाद में मतलब कि ये वाला हाथ है इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से यहीं दबा कर रखना है यहाँ, मतलब ज़्यादा ज़ोर से दबाना नहीं है। और एक हाथ को पंठी में मतलब कि यानी कि 6 फुट का पंठी है तो मतलब ये कोने में पकड़ेंगे, और ये जैसे कि यहाँ पे 2.5 से 3 फुट की जगह हम आगे हाथ वहाँ नहीं ले जाएंगे यहाँ पे। और पंठी को ऐसे ऊपर फिर नीचे यहाँ पे इस तरीके से करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों आप लोगों को दिखाने के लिए मैं थोड़ा धीरे धीरे कर रहा हूँ। जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से मसाला जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से कट रहा है, और इधर थोड़ा सा भी नहीं कट रहा है। और उसके बाद में एक बार पंठी हम फिर यहाँ लगा के और इसको ऐसे चेक कर लेंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं बिल्कुल पंठी में हो चुका है ये। तो ये जो कच का सीधाई है बिल्कुल सीधा हो चुका है। अब यहाँ पे मतलब जहाँ से आप पंठी मारना चाहें वहाँ से मार सकते हैं। तो हम पहले यह किनारे में मारते हैं, जैसे कि दिखाएंगे आपको यहाँ पे कि यहाँ क्या करना है कि ये जो ऊपर कच सीधा किए हैं बिल्कुल बराबर है, यानी कि हम आधा इंची से थोड़ा ज़्यादा मसाला इसके ऊपर रखे हुए थे, तो उतना ही मसाला यहाँ से लेकर वो पूरा वहाँ तक है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पंठी को पहले यहाँ हम पकड़ लेंगे, एक हाथ यहाँ जैसे कि देख सकते हैं, और एक हाथ को हम यहाँ पकड़ लेंगे। और ध्यान रहे जो ऊपर वाला सिरा जो है वो कटना नहीं चाहिए, पहले हम नीचे काटेंगे इस तरीके से यहाँ पे। मतलब जितना जोर दोस्तों आपको इधर ले जाने में लगाना है उतना ही जोर इसको खींचने में भी लगाना है यहाँ पे। और ध्यान रहे जो ऊपर वाला जो कच है सीधा हम किए हैं वो कटना नहीं चाहिए। तो यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से ऊपर से नीचे तक पंठी लग गया। अगर मान लीजिए दोस्तों जो अगर ज़्यादा गड्ढे आए तो उसमें एक बार मसाला हल्का और छाप लेना है। और उसके बाद यहाँ हम साहुल कर लेंगे। तो साहुल में भी बिल्कुल अच्छी तरीके से किस तरीके से हम पंठी मारे हैं
बिल्कुल अच्छी तरीके से दोस्तों आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं, मतलब कई बार तो होता है जैसे हम साहुल किए यहाँ पे, मतलब फंटी मार दिए और फंटी इसी में चिपका के भी हम साहुल कर सकते हैं। ऐसे साहुल इसलिए करते हैं कि जैसे साहुल का केंडा है तो फंटी के ऊपर रहेगा तो गट्टा नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर फंटी के ऊपर ना लगाना चाहें तो आप मतलब कि ये ऊपर वाला सिरा से मतलब कि करेंगे साहुल, तो यहाँ पे मतलब कि ये जो साहुल का केंडा होता है ये अंदर नहीं खुबना चाहिए। तो साहुल ने बिल्कुल अच्छी तरीके से एक्चुअली करेक्ट हो गया है। और उसके बाद में यहाँ से हम मिनती कर लेंगे कि हमारा पंटी कहाँ तक आ रहा है, वहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम तो उधर इस तरीके से निशान लगा रहे थे, अब यहाँ पे हम यहाँ से निशान लगाएंगे। तो यहाँ जब पंटी करेंगे तो नीचे ही वाला काटना है, नहीं तो ये ऊपर वाला काटने लगेगा। तो यहाँ पे नीचे वाला इस तरीके से काटेंगे, मतलब ये वाला मुंह होगा वो दबाएंगे नहीं, इसको काटना है मसाला नीचे से। और इसमें जब पंटी चलाएंगे तो बराबर जोर लगाना है ऐसे, जैसे ये नहीं दोस्तों जब इधर से ज़्यादा जोर से दाब देंगे तो मसाला उधर ज़्यादा कट जाएगा। अब यहाँ पंटी लग चुका है, अब यहाँ हम ये वाला ऊपर से हम साहुल कर लेंगे फिर यहाँ भी, क्योंकि जो ऊपर वाला हमारा सीधा है पंटी जो मारे हैं वो बिल्कुल अच्छी तरीके से सीधा है। तो यहाँ भी मैं दिखाना चाहूँगा कि बिल्कुल साहुल से हो गया है यहाँ पे। अब चलते हैं वो आखिरी कोने में वहाँ पे। तो यहाँ पे हम किस तरीके से लगाते हैं, अगर दोस्तों आप मान लीजिए कि बिल्कुल नए कारीगर हैं आप, तो आप उस टाइम कैसे फंटी लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या करना है, पहले धीरे से हम यहाँ पे फंटी को पकड़ लेंगे यहाँ, और पहले नीचे वाला ही मुँह पर काटेंगे पहले। अगर मुँह है ऊपर वाला पहले काटिएगा तो ऊपर का भी मसाला कट सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं हल्के गड्ढे आए हुए हैं, तो उसको हम पहले भर लेंगे, भर के उसके बाद फिर पंटी को मार देना है। तो यहाँ भी दोस्तों दिखाना चाहूंगा साहुल ने बिल्कुल अच्छी तरीके से करेक्ट हो गया है। और उसके बाद में जैसे पंटी होता है इसमें चार कोन होता है, तो एक कोन को क्या करना है, यहाँ पे हम निशान लगा देंगे इस तरीके से, यहाँ भी निशान डाल देंगे और ये आखिरी कोने में निशान। दोस्तों हम इसलिए डालते हैं कि मान लीजिए भाई जो हम कहीं मसाला काटते हैं और एक्स्ट्रा मसाला कट जाए तो पता लग जाता है इसमें। और इसमें क्या करना है, दो तरीके से आप पंटी दोस्तों मार सकते हैं, एक तो ऊपर से ही मार सकते हैं और नीचे से ही मार सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, ऊपर वाले में मिला के जैसे कि देख सकते हैं वो जो हम निशान टीपी लगाए हुए हैं ये वाला, इसको यहाँ पे पहले ये वाला मास्क को हम नीचे ले आएंगे यहाँ पे, और फिर ये ऊपर ले जाएंगे चेक करेंगे। उसके बाद में जैसे कि देख सकते हैं ये इतना कट गया मसाला। अब उसके बाद में इधर इधर ही ले आना है, तो निशान में ही मिला के पहले हम फंटी को ऐसे चला लेंगे, फिर एक बार ऊपर ले जाएंगे। अब यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा जैसे कि देख सकते हैं त्रिकोण कोना सा बना हुआ है, तो इसको हम काट लेंगे। उसके बाद में फिर ये वाला हाथ को फिर नीचे ले आएंगे, मतलब ध्यान रखना है दोस्तों जो मतलब जो निशान लगाए हैं वो नहीं काटना चाहिए, और निशान में ही मिला के ये फंटी। और मान लीजिए दोस्तों ये एक बार में नहीं काटता है तो आप दो बार में भी काट सकते हैं, लेकिन हम लोगों को तो दोस्तों अंदाज हो गया है, मतलब एक ही बार में बिल्कुल अच्छी तरीके से मसाला जो है वो कट जाता है। और जैसे कि यह है कोने वाला है, इसी में मिला के क्या करना है, ये इसको अब यहाँ से इसको काट देंगे तो ये कोना जो होगा वो भी बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो यहाँ तो जैसे देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पंटी लग चुका है। अब दोस्तों क्या करना है, ये तो आपको ऊपर से मतलब चपटी ले आकर दिखाया, कई बहुत आदमी ऊपर से ही फंटी मारता है, लेकिन यहाँ से हम नीचे से भी मार के दिखा रहे हैं जैसे कि देख सकते हैं।
ये टीपी लगा हुआ है और एक टीपी यहाँ लगा हुआ है। तो फांटी को पहले क्या करना है, यहाँ पे हम रख लेंगे और ये नीचे की तरफ ये मसाले को पहले काट के यहाँ पर हम ठेहिया एक बना लेंगे। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं और इसमें फांटी अब कैसे चलाएंगे, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे एक हाथ को पहले हम ये वाला ऊपर ले गए निशान में ही मिला के यहाँ पे, तो मसाला हमारा यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से कट गया। अब फिर क्या करना है, ये वाला हाथ को हम ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ जैसे कि देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से मसाला भी कट गया और निशान भी हमारा थोड़ा सा नहीं कटा। और फिर ये जो त्रिकोण सा बना है इसको हम काट लेंगे यहाँ पर। इसके बाद में फिर ये हाथ ऊपर ले गए, फिर ये वाला हाथ को हम यहाँ ऊपर ले जाएंगे और नीचे ये फिर त्रिकोण काट लेंगे यहाँ पे, और फिर ये फंठी हम ऊपर यहाँ ले जाएंगे और फिर ये वाला हाथ को हम फिर ऊपर ले जाएंगे यहाँ पे, और फिर निशाने मिला के ये वाला बिल्कुल अच्छी तरीके से ये काट देंगे। तो फंठी में दोस्तों दिखाना चाहूँगा कितना बढ़िया तरीके से फंठी है वो लग चुका है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं प्रूफ भी दिखा दूँ, जैसे कि यहाँ पर हम फंठी लगा के लगाएंगे तो थोड़ा सा भी यहाँ से ऊपर से नीचे तक थोड़ा सा भी गैप नहीं आना चाहिए। तो समझ लीजिए कि फंठी बहुत बढ़िया तरीके से लग चुका है। अब क्या करना है, अगर चाहें तो इसमें इसी के ऊपर है दोस्तों प्लास्टर भी कर सकते हैं, लेकिन ये छोटे मोटे जो गड्ढे आए हैं इसको भर लेना है अच्छी तरीके से। यहाँ पे मसाला जैसे कि ज़्यादा गीला होगा तो सूखा गीला मसाला लगा सकते हैं, और नहीं तो अगर नॉर्मल है मतलब सही है तो यही मसाला हम इसमें फिर इस तरीके से ऐसे मतलब करनी चलाना है जो मतलब कि करनी मसाला फैले और जहाँ जहाँ गड्ढे है वहीं वहीं हम पहले भर लेंगे। तो इस तरीके से मतलब करनी चलाना है जो बढ़िया तरीके से मसाला भर जाए। और इसके बाद में मतलब कि फिर इसके ऊपर फंठी को घुमा देंगे। बिल्कुल बढ़िया तरीके से फंठी जो लग चुका है, और मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा भी निशान, तीनों निशान में से कोई भी निशान थोड़ा सा नहीं कटा हुआ है। अब इसमें क्या करना है, बड़ा वाला रूसा है उसको इसके ऊपर चला देंगे, और नहीं तो इसके ऊपर से रूसा भी लकड़ का जो रूसा है वो चला सकते हैं। ये बड़ा वाला चला देने से मतलब कि छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं ये बंद हो जाते हैं और प्लास्टर हमारा बहुत बढ़िया तरीके से तेजी में हो जाता है। तो ये ऊपर वाला जो कच है बिल्कुल हमारा सीधा हो चुका है, चाहे तो आप सूच नहीं लगा के इसको चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सीधा हो ही होगा। और उसके बाद में लकड़ का रूसा लेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे छोटे छोटे जो गड्ढे हैं इसको हम इस तरीके से करनी चलाएंगे और इसमें भर देंगे इसको, और उसके बाद में लकड़ का रूसा इस तरीके से चलाएंगे तो हमारा प्लास्टर जो होगा बिल्कुल जल्दी जल्दी होता जाएगा। मैं दिखाना चाहूँगा कितना बढ़िया तरीके से प्लास्टर है वो हो ही जा रहा है। अगर मान लीजिए दोस्तों जो कहीं आपका प्लास्टर करते करते में टाइम में सूख जाए तो उस टाइम में क्या करना है, कढ़ाई में थोड़ा सा मसाला लेके और उसमें थोड़ा पानी डाल लेना है, और मसाला डाल के जैसे गीला मसाला करके और उस पर करनी से लेके इस तरीके से बीच के और फटाफट उसको रुसियाएंगे तो जल्दी जल्दी प्लास्टर भी हो जाएगा आपका, और प्लास्टर भी इस तरीके से सूखेगा नहीं और प्लास्टर बिल्कुल साफ होगा। लेकिन हम लोग दोस्तों तराई बहुत बढ़िया करते हैं, हर एक वीडियो में दोस्तों आप लोगों को बताता हूँ जो बढ़िया से तराई करें दीवार को। तराई करने से दोस्तों दीवार जो होता है वो काफ़ी मजबूत होता है और काफ़ी दिन प्लास्टर भी चलता है, और इस तरीके से मतलब जल्दी जल्दी हम प्लास्टर करते जाएंगे। अब छोटे छोटे गड्ढे बंद करेंगे और प्लास्टर करते जाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं कितना जल्दी जल्दी हमारा प्लास्टर भी हो रहा है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत बढ़िया तरीका लगा होगा, मसाला छापना और रूसा चलाना और साहुल में फंठी चलाना।
तो ऐसे ही दोस्तों नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो अपलोड करते रहता हूँ।